हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमार ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, हम फाइलम कोडेटा की स्टडी कर रहे थे, जहां पर हमने फाइलम कोडेटा के कुछ करेक्टरिस्टिक देखी थी। फिर हमने यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट और साइक्लोस्टोमेटा की डिटेल स्टडी की, उनके एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक भी देखी। फिर हमने पाइसिस को ख़त्म किया, जहाँ पर हमने कॉन्डिक्टिस और स्टिक्टिस के डिफरेंस को एक ट्रिक पर याद किया था, उनके एग्जाम्पल्स को हमने ट्रिक से याद किया। देन हमने एम्फीबियंस को ख़त्म किया और आज हम रेप्टाइल्स की स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्लास रेपेटिलिया। रेप्टिलिया का मतलब रेपर और रेप्टम, यानी जो एनिमल क्रीप और क्रोल टाइप का लोकोमोशन शो करते हैं। क्रीप और क्रोल का मतलब जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, जो बहुत धीरे चलते हैं, रेंग के चलते हैं, वो इस क्लास में आते हैं। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। दे आर फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट। ये फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स थे। जैसा कि हमने पीछे बता दिया, फिशिस प्योरली वाटर में प्रेजेंट थी, एम्फीबियंस वाटर और लैंड दोनों जगह पाए जाते थे, लेकिन ये फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स थे। इनकी स्किन ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है, और इनमें स्केल्स और स्कूट्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने एम्फीबियंस में पढ़ा था, वहाँ पर जो उनकी स्किन थी वो मॉइस्ट थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्किन ड्राई है और कॉर्निफाइड है। दोस्तों, ये एकडाइसिस शो करते हैं और मोल्टिंग। अब ये एक्डाइसिस और मोल्टिंग क्या होता है, मतलब ये जो इनकी स्किन होती है और स्केल्स होती हैं, ये अपनी स्केल्स और स्किन कास्ट को शेड ऑफ कर देते हैं, इसे हम एक्डाइसिस कहते हैं। इसके एग्जांपल जाएंगे आपके स्नैक और लिजार्ट। जैसा कि हमने एम्फीबियंस में बताया था, वहाँ पे एक्सटर्नल ईयर्स एबसेंट होते हैं और टिम्पेनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है। सेम थिंग यहाँ पे भी है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स एबसेंट हैं, टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर। ये टेट्रापोड होते हैं, हम टेट्रापोड ही पढ़ रहे हैं, तो टू पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट स्नैक्स। आपने कभी स्नैक्स में पैर नहीं देखे होंगे, लिम्ब्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। हार्ट, सेम एम्फीबियन वाला केस है, यहाँ पे भी हार्ट थ्री चैम्बर्ड ही होता है, बट फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। याद रखेंगे, क्रोकोडाइल में हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है। ये जो पोकेलोथर्म्स होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड, और इन्हें एक्टोथर्म्स भी कहते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, याद करने की ट्रिक हमने सबसे पहले लेक्चर में बता दी थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो वहां जाके देख सकते हैं। अब इनके बारे में कुछ कॉमन पॉइंट्स है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ओविपेरस होंगे, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। दोस्तों, ये इनके सारे पॉइंट्स लगभग खत्म हो गए हैं, एनसीईआरटी में जितना भी था सब कवर हो चुका है। अब इनके एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल्स को हम ट्रिक के थ्रू याद करेंगे दोस्तों, क्योंकि एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स ही हैं और क्वेश्चन एग्जाम्पल्स से ही आता है, तो हमें एग्जाम्पल्स याद ही करने पड़ेंगे और इन एग्जाम्पल्स को हम ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इनके एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है चिंटू, जो अपनी वाइफ कावित्री से अपने घर के गार्ड के बारे में, अपने घर के चौकीदार के बारे में कुछ बताता है। तो देख लेते हैं क्या बता रहे हैं हमारे चिंटू जी। चिंटू से इस चिंटू कहते हैं, कावित्री कल गार्ड हेमा वाली बैंक का टेस्ट देगा। मतलब जो चिंटू जी का गार्ड है, वो कल हेमा वाली बैंक का टेस्ट देने जा रहा है, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो क्या कहा चिंटू जी ने, फिर देख लेते हैं। कावित्री कल गार्ड हेमा वाली बैंक का टेस्ट देगा। अब देख लेते हैं इससे हम ट्रिक कैसे, अपनी एग्जाम्पल्स कैसे याद रख पाएंगे। चिंटू में ची का मतलब चिलोन और टू का मतलब टर्टल, ये इनके कॉमन नेम है और ये कई बार मैचिंग के लिए आता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। और ऐसे ट्रिक आप सिर्फ आप एक लाइन याद रखें, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, दिक्कत कहीं नहीं होगी फिर कुछ। कावित्री में का मतलब है कैमेलियन और त्री का मतलब है ट्री लिजॉर्ट, कल मतलब कैलॉट्स, गार्ड मतलब गार्डन लिजॉर्ट, हेमा मतलब हेमिडक्टाइलस, वाली मतलब वॉल लिजॉर्ट। बैंक में बैन का मतलब है बैंगरस, के का मतलब है करेत। टेस्ट में टी का मतलब है टेस्ट्यूडो और टी का मतलब है टर्टोइस। तो दोस्तों, ये थे कुछ वो एग्जांपल्स जिनके कॉमन नेम्स उनके साइंटिफिक नेम से डिफरेंस थे। अभी इनके कुछ एग्जांपल्स और भी रह रहे हैं, लेकिन उनके कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम दोनों ही सेम है, इसलिए हमने उसे ट्रिक में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन उन्हें देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे क्रोकोडिलस, जैसे कॉमन नेम है क्रोकोडाइल, एलिगेटर, जैसे कॉमन नेम एलिगेटर ही है, नाजा कोबरा, कोबरा के बारे में भाई सब जानते हैं, विप्रा, तो इसे वाइपर ही कहते हैं, वाइपरा को कॉमनली वाइपर ही कहते हैं।
दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।